Good morning, teacher. In this video, we are going to complete the chapter Flying Together from your textbook. Hum part 1 aapko pehle video mein bhej chuke hain. Now in this video, we will read part 2 of this chapter. Kya padha tha humne part 1 mein? Ki ek bada sa tree tha. Us par kya hai? Wild geese. रहा करते थे, उनका एक झुंड रहा करता था. उसमें एक क्रीपर लगी थी. वाइट गीज में एक ओल्ड वाइट गीज थी और उसने कहा भी था कि अब हम इस क्रीपर को नष्ट करते हैं, पर क्रिसी ने ध्यान नहीं दिया. और धीरे धीरे क्या होता है कि एक शिकारी आता, हंटर आता है और वो पेड़ पर चढ़ जाता है और उनके लिए जाल वहाँ पर लगा देता है. हमने फिलहाल यहाँ तक पढ़ा था. नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर. In the evening, the geese returned home. शाम को क्या होता है? शिकारी का जाल पेड़ पे लगा हुआ था. अब जो आपके geese हैं, वो अपने घर जहाँ पे उनका घर पेड़ पे था, वहाँ वापस आ जाते हैं. They did not notice the net. उन्होंने net को देखा नहीं, जाल को नहीं देखा. As they flew into the tree, they were trapped. जैसे ही वो पेड़ में उड़ के आए, वो trapped हो गए. Trapped मतलब जाल में फंस गए. They struggled hard to get out but could not. उन्होंने बाहर आने की बहुत कोशिश की परंतु बाहर नहीं आ सके. Help, help, cried the geese. Geese जोर जोर से चिल्लाने लगे. Help, help, we are caught in the hunter's net. हम शिकारी के जाल में फंस चुके हैं, इसलिए वो help के लिए चिल्ला रहे थे कि हमें यहाँ से बाहर निकालिए. Oh, what shall we do? फिर वो अपने आप से कहने लगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए. डोंट मेक अ फस नाउ, सेड द वाइल्ड वाइज ओल्ड बर्ड. वाइज ओल्ड बर्ड ने जो गीज था वाइल्ड और वाइज था, वाइज होता है बुद्धिमान गीज था, उसने कहा कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. मैंने आपको पहले कहा था कि हमें ये क्रीपर क्या है, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. बट यू डिड नॉट, पर आप सबने सुना नहीं और ये क्रीपर एज इट इज रहा. नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड. और अब देखो अब क्या हुआ. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल. वो उनको कहने लगा वाइज ओल्ड गीज कि कल क्या होगा, शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा. वी वर फूलिश बैट द बर्ड्स. अब बर्ड्स जो थे बाकी वो रोने लगे और कहने लगे कि हम मूर्ख थे. वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू. वो उनको कहने लगे कि हमें क्षमा करें, हमने आपको सुना नहीं या आपकी बात नहीं मानी. प्लीज लेट अस व्हाट टू डू. प्लीज टेल कि आप बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए. तो जो वाइज होता है उसके पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए उसको वाइज कहा जाता है, बुद्धिमान. तो उसने अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया. देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइल्ड वाइज बर्ड. जो बुद्धिमान पक्षी था उनमें कलहंस था, उसने कहा कि केयरफुली सुनना है, ध्यान से सुनना है, जो मैं कहूँगा वही आपको करना है. वेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड. जब कल शिकारी आएगा तो हम सबको क्या दिखाना है, हम सबको कैसे पड़े रहना है कि हम सब मर चुके हैं. जस्ट लाई स्टिल मतलब हमें मृत अवस्था में पड़े रहना है. द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स. शिकारी क्या है, मरे हुए पक्षी को नहीं चाहेगा. ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड. वो क्या करेगा, हम सबको ग्राउंड में फेंकेगा पेड़ पर से. इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन. ये उसके लिए फिर क्या हो जाएगा, नीचे उतरने के लिए आसान हो जाएगा. कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम. और नीचे आकर के क्या करेगा, वो जितने भी बर्ड्स हम नीचे फेंके होंगे उनको वहां से ले जाकर के घर ले जाएगा. वेन द लास्ट ऑफ us has been thrown down.
वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। फिर उसने क्या कहा वाइज ओल्ड गीज ने कि जब हम में से जो लास्ट होगा उसको फेंका जाएगा वैसे ही हम सब एकदम से वहां से उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। अगले दिन वैसा ही हुआ, शिकारी आया और पेड़ पर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने जितने भी गीज थे उनको नेट में देखा, जाल में देखा। दे ऑल आर डेड, वो सब कैसे थे, मर चुके थे। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्ड क्या होता है, अपने आप से बात करना, धीमी से आवाज में बात करना, अपने आप से कहने लगा कि ये सब तो मर चुके हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, वन बाय वन होता है एक एक करके, जैसे एक गीज उठाया जाल से उसको नीचे ग्राउंड में फेंका, फिर दूसरा हटाया उसको नीचे फेंका। इस तरीके से उसने सभी बर्ड्स को जाल से बाहर फेंका। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, पक्षी तब तक पड़े रहे जमीन पर, कब तक, जब तक उनका आखिरी साथी जो था वो भी जाल से फेंका नहीं गया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, जैसे ही उनका लास्ट साथी उससे बाहर फेंका उन्होंने सब उठे, अपने पंख फ्लैप किए, फ्लैप होता है अपने पंख फड़फड़ाए और क्या हुआ, वहां से उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, अब शिकारी हैरान था। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और वो पेड़ पर से देखता रह गया और गीज उड़ गए। इस तरह से यह स्टोरी हमारी कंप्लीट हुई। किसने लिखी ये स्टोरी, रोट दिस स्टोरी शिव कुमार एंड एडाप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र अ वाइज ओल्ड गीज से ये स्टोरी ली गई है। किसने रोट दिस स्टोरी, शिव कुमार इज द राइटर ऑफ द स्टोरी। इट्स ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर्स और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं अलग से एक पेज के साथ दूंगा, वो आपको नीटली अपनी इंग्लिश फेयर नोटबुक में करनी है। थैंक यू।